हेलो गाइस, मैं जिशान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी मेडिकल्स के इस मेडिसिन रिव्यू चैनल पे। हम आज आपके लेके आए नाइस डी जेल, सो लेट्स स्टार्ट एंड ओवर द रिव्यू। आपके लिए हाजिर है आज नाइस डी जेल। अगर आपको घुटने के दर्द, सूजन, भयानक दर्द, स्प्रेन्स, मस्कुलर पेन, जॉइंट पेन, लो बैक पेन, अगर इन सब चीज़ों से अगर आप परेशान हैं तो ये मलहम आपके लिए बिल्कुल सही है। यही आपका इलाज अब कर पाएगा नाइस डी जेल। जी हाँ दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं नाइस डी जेल, जो कि आपको हर तरह के दर्द से, हर तरह के घुटने के दर्द से, हर तरह के भयानक दर्द से, स्प्रेन्स, मस्कुलर पेन, जॉइंट पेन, लो बैक पेन से फटाफट ये मलहम लगाने से आपको तुरंत आराम दिलाता है। अब आइए जानते हैं कि इस जेल में आखिर ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो कि हम लोगों को इतना फास्ट इस जेल से आराम मिलता है। सबसे पहली चीज़, इस जेल की खासियत यह है कि इस जेल में डाइक्लोफिनैक, वर्जिन लिंसिड ऑयल, मिथाइल सैलिसिलेट एंड मेंथॉल जेल, ये सारी चीज़ें आपको इस जेल के अंदर अवेलेबल मिलती है, जिसकी वजह से ये नाइस डी जेल बहुत ही ज़्यादा असरदार है। कंपनी का क्लेम भी आप देख सकते होंगे कि कंपनी भी क्लेम कर रही है साफ साफ, स्प्रेन्स, मस्कुलर पेन, जॉइंट एंड लो बैक पेन, लॉन्ग लास्टिंग, नॉन डिग्रेडेबल। जी हाँ, ये जेल आपको बहुत ही ज़्यादा आराम भी दिलाएगा अगर आप दर्द से परेशान हैं तो। अब आइए जानते हैं कि नाइस डी जेल हम लोगों को कैसे आराम पहुँचाएगा। जाहिर सी बात है, जब आप इसको यूज़ करेंगे तभी आराम पहुँचाएगा। जेल या ट्यूब लाख जितना भी चाहे अच्छा हो जाए, बगैर यूज़ किए तो आराम आपको होगा नहीं। इसलिए अब आइए जान लेते हैं कि ये कैसे आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। इस नाइस डी जेल को आप दिन में 3 से 4 बार इसको लगाइए। जहाँ पे आपको दर्द है, तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम है, आप लगाइए दिन में 3 से 4 बार इस नाइस डी जेल को। आप बहुत ही आराम से इसको रब कीजिए और आपका दर्द तुरंत चला जाएगा, तुरंत। बहुत ही फास्ट एक्टिंग ये जेल है। अब एक चीज़ हम लोग आपको बता देते हैं नाइस डी जेल के बारे में कि इस जेल को किसी इंटरनल सरफेस पर ना लगाएं। जैसे कि अगर आपको कहीं पे कुछ कट्स लगे हैं वहाँ पे इसको बिल्कुल ना प्रयोग करें। अगर आपका कहीं चोट लगी हुई है, जैसे कि छिल जाना, इस जेल को वहाँ पे हरगिज़ ना लगाएं। अगर आपको पहले से कहीं रैशेज या एक्जिमा की प्रॉब्लम है, खुजली है, तब भी आप इस जेल को उस जगह पे बिल्कुल ना लगाइए, क्योंकि ये एक्सटर्नल स्किन सरफेस के लिए ये जेल होते हैं, इंटरनल सरफेस के लिए बिल्कुल नहीं होते हैं। और साथ ही साथ ये जेल किसी पेट को भी मत यूज़ करने दीजिए, जैसे कि डॉग, गोट, गाय, इन लोगों के लिए ये जेल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पेट्स के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें जैसा कि मेंथॉल अवेलेबल है, तो मेंथॉल एक कूलिंग फैक्टर होता है जो कि सिर्फ हम लोग ही इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, ना कि कोई पेट्स। और जब भी आप इसको यूज़ करें, हम आपको इसका अंदर का भी एरिया खोल के दिखला देते हैं। जब भी आप इसको यूज़ करें, यूज़ करने के बाद इसके कैप को बहुत ही टाइटली पैक करें ताकि इसके अंदर कोई एयर ना जाए, अगर आप यूज़ अगर आप इसको नहीं कर रहे हैं तो। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बस आपको एक जेल मिलता है और कुछ नहीं। आप इसको एक चीज़ और प्रिकॉशन हम आपको बता देते हैं इसका, कि इसको यूज़ करने से पहले तो आप अपने हाथों को अच्छे से धो लें, और इसको अप्लाई करने के बाद अफेक्टेड एरिया में फिर वापस से आप अपना हाथ धो लें, ताकि जेल जो आप नाइस डी जेल आपके हाथ में लगा हुआ है वो भी धुल जाए। अब आपको हम ये बता देते हैं कि ये जो प्रोडक्ट मैंने आज आपको दिखलाया है, ये आखिर इतना अच्छा प्रोडक्ट किस कंपनी आखिर इसको बना रही है। तो आपने तो पहले ही देख लिया होगा कि ये डॉक्टर रेड्डीज़ की मेहरबानी है कि इतना अच्छा दर्द का मलहम ये हम लोगों के लिए बनाई है। जी हाँ, डॉक्टर रेड्डी ही कंपनी है जो नाइस डी जेल को मैन्युफैक्चर करती है। और अब जान लेते हैं कि नाइस डी जेल कितने ग्राम की पैकिंग में हमको ये मिल जाता है। नाइस डी जेल हम लोगों को 30 ग्राम, ये आप देख सकते हैं, नाइस डी जेल 30 ग्राम के पैकेट में हमको ये अवेलेबल होता है।
और सबसे लास्ट चीज़ ये है कि अभी हम लोगों को किसके लिए कितना पे करना है हम लोगों को, आप देख सकते हैं 99 रुपीज़ इस नाइस डी जेल की कीमत है 99 रुपीज़। अब आपको ये कहाँ से मिलेगा? फिर मेरा वही बार बार ये कहना कि ये आपको हर मेडिकल स्टोर पे बहुत ही ईजिली आपको आराम से मिल सकता है। दैट्स इट। नाइस डी जेल जब भी आप इसको परचेज करेंगे तो अपने घर पे इसको कैरी करने के लिए एक ऐसी जगह का यूज़ कीजिएगा जहाँ पे उस जगह का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो, क्योंकि इस जेल पे साफ साफ लिखा हुआ है स्टोर एट टेम्परेचर बिलो 30 डिग्री सेल्सियस बट डू नॉट फ्रीज। इसका मतलब ये है कि 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे के टेम्परेचर में इस जेल को आपको स्टोर करना है। और ध्यान दें कि 30 डिग्री सेल्सियस के कम के टेम्परेचर को ध्यान देने की वजह से आप इसको फ्रीज ना कर बैठें। जी हाँ, कि ऐसा ना हो कि आप फ्रीज में रख दें और भैया ये बर्फ़ जम जाए, तब भी ये आपका जेल एक तरीके से स्पॉयल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। सबसे बड़ी बात अब एक चीज़ ये है कि जिस भी शॉप से आप इसको परचेज़ करें तो एक चीज़ का ध्यान ज़रूर दे दें कि सील पैक होना चाहिए। इस तरह जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी एक सील इस तरह की देती है, इस तरह की सील कंपनी देती है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को नाइस डी जेल का रिव्यू बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल नाइस डी जेल के लिए रह गया हो तो आप हमें कमेंट के जरिए इन्फॉर्म कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने मन की कोई भी दवा के बारे में अगर मुझसे जानना चाहें तो भी आप हमें कमेंट के जरिए इन्फॉर्म कर दीजिए। वी विल डू इट फॉर यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टाइम टू से बाय नाउ। हम आपसे फिर मिलेंगे एक आपकी दवा के साथ और एक अपनी दवा के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी हेल्दी।